नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस सप्ताह को लेकर एसएसपी ने किया वृक्षारोपण, पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय की कही बात। सुल्तानगंज के कुमारपुर में लगी भीषण आग, एक की मौत, लाखों की संपत्ति खाक। गंगापुर में मारे गए युवक की हुई शिनाख्त, 5 दिन पहले पत्नी से मिलने आया था ससुराल। और वैक्सीनेशन शुरू होते ही कोरोना को लेकर लापरवाह हुए लोग, प्रशासन बेखबर। अब खबरें विस्तार से। पुलिस पब्लिक के बीच संवादहीनता कम कर विश्वास पैदा करने में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। पुलिस सप्ताह के दौरान बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में आकृतियां उकेरकर बाल विवाह, शराबबंदी और कोविड-19 जैसे खतरों से आगाह किया। वहीं पुलिस लाइन में एसएसपी निताशा गुड़िया ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस बनने की नसीहत दी। एसएसपी ने कहा, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय बनाना है। अभी सप्ताह जो यहाँ पे मनाया जा रहा है भागलपुर में, इसमें प्रतिदिन जो है अलग अलग हम लोगों ने जो है कार्यक्रम का आयोजन किया। आज हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है पुलिस लाइन भागलपुर में किया गया है और कल जो है 27 फरवरी को इसका समापन किया जाएगा। तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे एक रन फॉर हेल्थ कराया और साथ में बच्चों के साथ में पेंटिंग कंपटीशन कराया और पुलिस पब्लिक मीट के तहत हम लोगों ने वॉलीबॉल का मैच कराया, तो उसमें जो विजयी रहेंगे उनको कल हम लोग पुरस्कृत करेंगे समापन के दौरान। धन्यवाद। पुलिस सप्ताह के तीसरे दिन नाथनगर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मानवाधिकार विषय पर संगोष्ठी आयोजित कर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। समारोह में अतिथियों ने कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सेवा की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीटीएस के प्राचार्य एसपी मिथिलेश कुमार ने मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए अनुश्री और ईशांत सिन्हा को सम्मानित किया। सीडीआई अमित कुमार ने वृक्षारोपण कर पुलिस कर्मियों को 2000 पेड़ लगाने का संकल्प दिलवाया। के अवसर पर आज मानवाधिकार से पर वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे सारे भागलपुर के सम्मानित वक्ता मंचासीन हैं और इसमें इस कार्यक्रम को के संयोजन में खास और महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे ईशांत सिन्हा जी का। सरन्य मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए हैं और मानवाधिकार के लिए काफी संघर्षशील और प्रयत्नशील रहे हैं, इसीलिए इस अवसर पर हमने उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया है और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भी यही है। सुल्तानगंज प्रखंड के भीरखुर्द पंचायत के कुमारपुर आराजी गांव में आग लगने से सदानंद मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। शुक्रवार को अचानक सदानंद मंडल के घर आग लगते ही उसकी लपटें तेज हो गई कि देखते ही देखते घर जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना देने के 1 घंटे के बाद दमकल गाड़ी पहुंची। मुखिया संजीव कुमार सुमन ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। घटना के समय पर घर में सदानंद अकेले थे। थाना अध्यक्ष रतनलाल ठाकुर, सीओ शंभु शरण राय ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को सरकारी सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है। तत्काल जो सहायता होता है अंचल स्तर से, वो हम लोग तुरंत कर रहे हैं। उसके बाद इनका पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके बाद जो सरकारी सहायता जो है, जो विधि सम्मत है, मैक्सिमम है, वो हम लोग निश्चित रूप से। गुरुवार को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर में देर शाम अपराधियों द्वारा मारे गए युवक की शिनाख्त की गई। मृतक 23 वर्षीय विकेश कुमार, पिता अशोक यादव, सीताकुंड मुंगेर का रहने वाला है। मृतक के पिता ने बताया, पति पत्नी के बीच बनती नहीं थी और लड़की अपने मायके में ही रहा करती थी। विकेश 22 तारीख को पत्नी से मिलने मिरहट्टी गाँव आया था। विकेश की शादी 2 वर्ष पहले मिरहट्टी गाँव में हुई थी। मालूम हो कि गुरुवार को गंगापुर दुर्गा स्थान के पास 23 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले और वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। शारीरिक दूरी का तो शायद ही कहीं पालन हो रहा है। रेलवे स्टेशन हो या फल और सब्जियों की दुकान, लोग बिना मास्क लगाए धड़ल्ले से घूम रहे हैं। वैक्सीनेशन शुरू होते ही लोग लापरवाह होने लगे हैं। चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग दस्ता भी कहीं नहीं दिखता है। शुक्रवार को पूरनमल बाजोरिया ट्रेनिंग कॉलेज में प्रांतीय सम्मेलन के तीसरे दिन विद्या भारती के शिव कुमार, ख्याली राम और नीरज कौशिक ने प्रधानाचार्यों को संबोधित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्या भारती के शिव कुमार, ख्याली राम, राजेश रंजन और प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति को रोजगार परक, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र बनाने वाला कहा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर भारत को अग्रणी देशों की श्रेणी में लाना ही विद्या भारती का उद्देश्य बताया। मंच का संचालन राजेश रंजन ने किया। पुरानो बाजोरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के विशाल प्रसाल में 17 जिलों से आए हुए लगभग 215 प्रधानाचार्य पहुँचे हुए हैं। अभी हम सभी नई शिक्षा नीति एवं पर्यावरण को लेकर के यह सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में विगत वर्ष के कार्यों की हम सभी समीक्षा करेंगे और नए वर्ष में कैसे हम अपने कार्य को अंजाम दें, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसकी कार्य योजना बनाएंगे। वित्तीय आय बढ़ाने तथा शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर डीआरडीए सभागार में उप समाहर्ता कोमल किरण की अध्यक्षता में प्रधान लिपिकों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिला लेखा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह ने कहा, बैठक में विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा लोगों को सुलभ न्याय मिले, इसकी चर्चा की गई। इसके अलावा सभी क्लर्कों को केस से संबंधित मामलों को जल्द निपटाने का आदेश दिया गया। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के बैनर तले रेलवे स्टेशन भागलपुर में पुलिस सप्ताह को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पीरपैती स्कूल, सुल्तानगंज स्कूल, नाथनगर के स्कूलों के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया, प्रतियोगिता में बच्चों ने शराबबंदी, बाल विवाह, नशा मुक्ति अभियान संबंधी पेंटिंग बनाए। प्रतियोगिता में सुल्तानगंज पहले, नाथनगर दूसरे और पीरपैती के बच्चे तीसरे स्थान पर रहे। मौके पर जीआरपी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। 22 से 27 फरवरी 2021 प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मनाया गया, जिसमें पीरपैती के पीएम पब्लिक स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल सुल्तानगंज और एलिमेंट्री स्कूल नाथनगर के बच्चों के द्वारा, करीब 55 बच्चों के द्वारा यहां प्रदर्शनी में भाग लिया गया, जिसमें नशा खुरानी, जहर खुराने के साथ साथ बाल विवाह और जागरूकता अभियान के तहत जो है पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिहार पुलिस सप्ताह जो हर वर्ष 22 से 27 फरवरी को मनाया जाता है, इस अवसर पर आज भागलपुर रेलवे स्टेशन पे पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शाह मार्केट स्थित शाह मंजिल परिसर में कल से होने वाले 2 दिवसीय सूफी सम्मेलन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई है। उप सज्जादा नशी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा, देश भर के खानकाहों और दरगाहों से अतिथि इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और शांति का संदेश देंगे। कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूफियों के माध्यम से समाज में सद्भावना व प्रेम का पैगाम देना है। कार्यक्रम के पूर्व एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इलाहाबाद के सज्जादा नशी सैयद फैजान वारसी, सैयद मोहम्मद आशिफ, सैयद मोहम्मद कासिफ समेत अन्य लोग मौजूद थे। 2 रोजा ऑल इंडिया सूफी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर की जितनी मशहूर खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, आस्थाने हैं, जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दिल्ली से है और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से हैं, उनकी खानकाह और उनकी दरगाह से लोग आएंगे। इसी तरह गुलबर्गा से हैं
और गुजरात से हैं, लखनऊ से हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।